तो वर्ल्ड कप 2023 का मैच नंबर 5 होगा इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बीच एम चिदम्बरम स्टेडियम चेन्नई में। और इस मैच के लिए सभी काफी एक्साइटेड हैं क्योंकि टीम इंडिया अपना पहला मुकाबला वर्ल्ड कप 2023 का खेलने वाली है अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। तो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं दोनों टीम्स के हेड टू हेड रिकॉर्ड और इन दोनों टीम्स की क्या प्लेइंग 11 हो सकती है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो अगर मैं टीम इंडिया की बात करूं तो टीम इंडिया ने वर्ल्ड कप से पहले अभी एक भी वार्म अप मैच नहीं खेला है क्योंकि बारिश की वजह से वो एक भी वार्म अप मैच नहीं खेल पाए थे। लेकिन इंडिया की लास्ट ओडीआई सीरीज हुई थी ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, जहां पर 2-1 से टीम इंडिया ने वो सीरीज भी अपने नाम की थी। और वहीं मैं अगर ऑस्ट्रेलिया की बात करूं तो ऑस्ट्रेलिया ने अपने वार्म अप मैच पाकिस्तान के अगेंस्ट खेला था, यहां पर ऑस्ट्रेलिया वो 14 रन से मैच को जीत गई थी, जहां पर ऑस्ट्रेलिया की तरफ से ग्लेन मैक्सवेल ने 77 रन की काफी तगड़ी इनिंग खेली थी और उनके साथ लाबुशेन ने भी 40 रन की अच्छी इनिंग खेली थी। तो ऑस्ट्रेलिया के बैटर्स भी काफी तगड़ी फॉर्म में है और ये मैच इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाला है चिदम्बरम स्टेडियम चेन्नई में, जहां पर स्पिनर्स को काफी ज्यादा मदद मिलेगी और इस पिच का एवरेज स्कोर लगभग 237 रन का है। और अब बात करते हैं इन दोनों टीम्स के हेड टू हेड रिकॉर्ड्स के बारे में। तो इन दोनों टीम्स के बीच अब तक ओडीआई वर्ल्ड कप में 12 मैचेस हो चुके हैं, जिसमें कि 8 मैचेस ऑस्ट्रेलिया ने जीते हैं और 4 मैचेस इंडिया ने जीते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया के रिकॉर्ड टीम इंडिया से काफी ज्यादा अच्छे हैं। तो अब देखते हैं इन दोनों टीम्स की क्या प्लेइंग 11 हो सकती है। तो पहले बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया के प्लेइंग 11 के बारे में। तो ऑस्ट्रेलिया की तरफ से पहले आएंगे डेविड वार्नर, उनके साथ मिशेल मार्श, फिर स्टीव स्मिथ, मार्कस लाबुशेन, फिर आएंगे ग्लेन मैक्सवेल, एलेक्स कैरी, मार्कस स्टोइनिस, पैट कमिंस, जॉश हेजलवुड, एडम जंपा और मिचेल स्टार। तो ये हो सकती है ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग 11। तो अब बात करते हैं टीम इंडिया के प्लेइंग 11 के बारे में। तो इंडिया की तरफ से पहले आएंगे रोहित शर्मा, उनके साथ ईशान किशन, क्योंकि शुभमन गिल इस मैच के लिए डाउटफुल है कि वो खेलेंगे या फिर नहीं और डॉक्टर्स ने भी उनके बारे में अभी कंफर्म नहीं किया। तीसरे नंबर पर आएंगे विराट कोहली, फिर श्रेयस अय्यर, फिर केएल राहुल, हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा और रविचंद अश्विन, मोहम्मद सिराज, जसप्रीत बुमराह और कुलदीप यादव। तो ये हो सकती है भाई टीम इंडिया के प्लेइंग 11 अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। तो भाई आपका इस टीम के बारे में क्या कहना है कमेंट सेक्शन में बता दो और ऐसी मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो।